रंग रिजल्ट आ चुके हैं, किसी का किसी पे सतरंगी चढ़ गया है, किसी पे अतरंगी चढ़ गया है, किसी पे नवरंगी चढ़ गया है, और मैं समझता हूँ कि रंग बिरंगी होली की शुरुआत हो चुकी है। हर जगह पे सारा रा 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 सारा रा रा रा, हाँ तो सबको सारा रा 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 सारा अली खान टाइप की सेफ होली हो, वाह सेफ होली हो सारा अली खान टाइप की। आप अपने आप को अपने परिवार में ऐसी होली मनाइए कि आपका परिवार जो है होली फैमिली हो जाए, आपकी फैमिली जो है होली फैमिली हो जाए, और रंग जो है ऐसा लगाना प्यार मोहब्बत का रंग लगाना, खतरनाक और डेंजर रंग मत लगा देना। और अगर आपको ऐसी होली नहीं खेलनी है तो आसान तरीका है, दिन भर कलर चैनल देखो, कलर चैनल पे भी प्रोग्राम आते रहते हैं, मोहे रंग दे गाने भी आते रहेंगे, वो भी देखिए। और बाकी अगर आपको होली के लिए लकड़ा नहीं मिल रहा जलाने के लिए तो टेंशन मत लीजिए, घर में हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड कोई भी फिल्म देख लीजिए, मूड से मतलब है, ठीक है। जो करो आजू बाजू में कोई छोटी मोटी होली जल रही हो तो उनको प्रणाम कीजिए, माँ होलिका को, होलिका दहन जो है वो हम सबके लिए बहुत ही धार्मिक और मार्मिक विषय है, क्योंकि होलिका जो है हम सब बच्चों का दुख दर्द अपने साथ लेके जाती है और जल कर राख हो जाती है ताकि दुख दर्द हमारे सब खत्म हो जाए। बाकी मैं होली के लिए यही कहना चाहूँगा कि आप खासकर यूक्रेन से कहूँगा, यूक्रेन और रूस से कहूँगा, भाई रूस आपको यूक्रेन से इस तरफ लड़ दिया जाएगा, रूस आप ज़्यादा सर पे चढ़ के रूसी मत बनिए, और जो खून की जो होली आप खेल रहे हैं प्लीज़ खून की होली मत खेलिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिलके लड़ेंगे नफरत की लड़ाई और प्यार मोहब्बत से मने मनाए होली सही सही कलर के साथ, दिल के कलर के साथ। चलो भाई, क्योंकि होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, और इस होली के दिन, इस होली में मेरे से अब तो कोई गब्बर सिंह नहीं है जो पूछेगा होली कब है, होली कब है, होली कब है, क्योंकि सबको पता है भाई ये होली कब है। 18 को होली है, 20 तारीख को होली है, और 20 को हम दूसरे को विश करेंगे, विश करेंगे, विश भी करेंगे, विश भी करेंगे, लेकिन मन में कोई विश ना रखेंगे, प्यार मोहब्बत से प्यार के रंगों से होली खेलेंगे, सतरंगी होली होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव शुरुआत हो चुकी है, और खासकर राजनीति में जो उथल पुथल हो रही है मैं तो उसके लिए अलग से ये कहना चाहूँगा कि अभी मुलायम सिंह जी मुझे मिले थे तो उन्होंने कहा मुलायम सिंह जी रिजल्ट से खुश हैं आप, हवा तो लगा कि बसपा जीतेगी, हमको लगा बसपा जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई, हमको लगा बसपा जीतेगी। तो आपको लगा बसपा जीतेगी मतलब सपा जीतेगी, आपको नहीं लग रहा था? हम तो वही कह रहे हैं, हमको लगा बस सपा जीतेगी, बस सपा जीतेगी, लेकिन बीजेपी जीत गई, कोई बात नहीं जो भी है कोशिश करेंगे। बोला अपना अखिलेश भैया से मैंने पूछा, अखिलेश भैया ये क्या कलेश हो गया, या कुछ लोगों ने आपके साथ में अकल लेस काम किया है, मतलब बहुत कलेश आ गया, क्या आप क्या जो पार्टी है सपा जो है वो थोड़ा कम, आपने लड़ाई अच्छी की, कम कैसे हो गया? तो मैं अखिलेश भैया कहते हैं आप पास खुद हमें साजी आए थे और हाथ जोड़ के बोले भैया अखिलेश जी इस बार आप हार जाइए, बाबा जी को मुख्यमंत्री बनने दीजिए दोबारा, तीसरी बार के इलेक्शन में हम इसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, हम आपको बनाएंगे, पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिलकर आपको जितवाएगी। तो हमने कहा हमें क्यों जितवाएगी आपकी भारतीय जनता पार्टी? बोले देखो दो बार बाबा मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और हमारी बीजेपी का पुराना रिपोर्ट है जो 3 बार मुख्यमंत्री बनता है फिर वो सीधा प्रधानमंत्री ही बनता है, तो अगली बार वो आपके लिए नहीं हमारे लिए खतरा है, हमारे मोटा भाई के लिए खतरा है, तो अगली बार तो हम खुद नहीं चाहेंगे कि वो सीएम बने, वरना फिर उसको हम समझ सकते कि पीएम ही बने। हमारे बुरा न माने होली है, हमारे प्यारे मनोज तिवारी भैया भी बहुत टेंशन में, उन्होंने कहा क्या हुआ? ए भैया गोड़ लागे तनी परेशान बा, भैया बहुत परेशान भाई, तो गायक हम बहुत बढ़िया गायक, भोजपुरी के गायक, लायक गायक, विधायक गायक, नायक गायक, इतने बड़े गायक, इतने बड़े गायक होने के बावजूद भी कहा हुआ?
ये जो कनवा बना बीजेपी का, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा, गायक हम होते हुए बीजेपी ये गनवा जो है रवि किशन से गवा दिए, जिंदगी छंड बा तबहु घमंड बा, रवि किशन से गवा दिए और हमसे इतना सुंदर गाना गवा दिए, हमारे हाथ हमने गवा दिया गाना। अब बहुत थक गया हूँ भैया, फ्रेश होने जा रहा हूँ, कहाँ सपा में। भैया बीजेपी छोड़ रहे क्या, सपा जा रहे, गाड़ी मसाज कहाँ होता है, स्पा वहीं जा रहे भैया, तुम साले बात बात घुमाया मत करो बात पे, आई विल पुष्पा, क्या पुष्पा यार, पुष सपा नहीं, तुम साले बार बार वही घूम फिर के आते हो, समझे। तो ये भैया जो है इस बार जो पंजाब का जो चुनाव हुआ है, बुरा न मानो होली है, पंजाब का जो चुनाव हुआ है इसमें भगवंत मान भैया जीत गए हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कॉमेडियन आदमी थे, हमारे दोस्त सुनील पाल के दोस्त है, लाफ्टर चैलेंज में नंबर 5 पे आए थे, तब ये तय हो गया था कि 5 है ना पंजाब, तो हम हंगामा करेंगे और अब भैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे, दरवाजा बंद कर दीजिए, मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, दरवाजा बंद कर दीजिए। अब भैया ये है कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और पंजाबी की तो मैं हमेशा ही की बात कर तारीफ करूँगा, वहाँ के लोग बड़े ऊँचे लोग हैं और ऊँची पसंद, मुख्यमंत्री हमेशा ऊँचे ऊँचे लोग बनाते हैं, बादल कैप्टन भगवंत, नीचे लोगों से तो देखते तक नहीं, चरण 8 महीने में बर्दाश्त नहीं कर पाए, चरण भैया तुम नहीं जीत पाओगे चरणजीत हैं, लेकिन कुछ अपोजिशन वाले अभी भी कह रहे हैं ये जो पंजाब है इलेक्शन में गड़बड़ हो गया है, तू 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 बोलने वाला पंजाब अचानक आपके फेवर में कैसे आ गया, हमने तो सोचा कि चन्नी जीतेगा लेकिन चवन्नी जीत गया, पंजाब 12 के भाव से जड़ा था लेकिन ये 12 के भाव से कैसे चला गया, और भगवंत मान को 90 सीटें मिल गई, शराबी है पक्का, शराबी है, 90 सीटें मिल गई है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ झोल है, उनका कोई झोल नहीं है भैया, पंजाब के लोगों का स्टाइल ही है खाना पीना एंजॉय करना, और एंजॉय करने में पंजाबी लोग आगे हैं, लेकिन एक ही बात कहूँ, पंजाबी मनमौजी है पर देश में बात है तो हर पंजाबी फौजी है, हमारे भगवंत मान जी की इच्छा सुनिए कि वो शपथ विधि जो है अपने गुरु क्रांतिकारी भगत सिंह जी के घर उनके गांव लेने वाले हैं, और मोहाली में पैदा हुए बंदे हमारे भगवंत मान जी सबका माहौल खराब करने वाले, तो बुरा न मानो होली पर मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया सब लोगों को मित्र हो, अब जो जीत हो गई है इसी जीत को बरकरार रखिए, आगे भी हमारा ध्यान रखिए, मित्र हो मत रहो हम आपका ध्यान रखेंगे, आप हमारा ध्यान रखिए, और आपका मोटा भाई और मेरा छोटा भाई कुछ कहना चाहता है। देखिए आप लोगों को भाई हम मोटी चीज से कुछ अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो उनको अपना समर्थन भले आप मत दीजिए, उनकी जय मत बोलिए, लेकिन मेरी जय इसलिए बोलिए क्योंकि मैं कानूनन जय वाला आदमी हूँ, मेरे बेटे का नाम जय है, जैसा मैं कानूनन जय वाला आदमी हूँ, कानून के साथ रहता हूँ, इसलिए गृह मंत्री हूँ, कानून को सपोर्ट करो समर्थन करो, कानून मत तोड़ो, होली के दिन कानून मत तोड़ो नहीं तो फिर कानून आपको तोड़ेगा, रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं, नाम है अमित शाह, ये घर जैसी बात है, होली हर घर में मनाई जाएगी, प्रेम से मनाई जाएगी, टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के साथ नहीं इन और झगड़े वालों के साथ नहीं, धन्यवाद, होली की शुभकामनाएं। तो हमारा नाम है रतन नोरा, होली मनाओ पूरा के पूरा, और याद रखना।